Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Suman. हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स जो कि वेट लॉस करते करते उनका वेट स्टक हो जाता है. शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, आपको कोई ट्रैवल एक्स्ट्रा करना पड़ गया हो, आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया हो, आपको स्ट्रेस आ गया हो, लैक ऑफ स्लीप हो गया हो, एनजाइटी हो गई हो, कोई भी इंसोमनिया या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई हो जिसकी वजह से आप बड़े लंबे समय से अपनी वेट लॉस जर्नी कर रहे हो, बीच में आपका वेट जो है वो स्टक हो जाता है. इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकलता है? इसका सॉल्यूशन ये निकलता है कि हम एक लिक्विड डाइट पे जाते हैं, थोड़े सी लो कार्ब डाइट पे जाते हैं, जिससे हमारा जो स्टक वेट है वो बिल्कुल इंस्टेंटली लूज होना चालू हो जाता है. ये लिक्विड डाइट क्या है? हम 5 दिन के लिए लिक्विड डाइट के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर इजीली आपका जो स्टक वेट है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, एंड उसके बाद आप बैक टू अपनी नॉर्मल डाइट पे, जो भी आपका वेट लॉस का डाइट है, आप उसको स्विच करते हैं. नाउ लिक्विड डाइट करने का 5 से 6 रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं. अगर आपको नींद नहीं आ रही है, पहले आप अपने आप को रिकवर करो, अपना माइंड सेट करो, अपना स्लीप प्रॉपर करो, एंड उसके बाद आप लिक्विड डाइट पे जाओ, अदरवाइज इस डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है. सेकेंड पॉइंट इज़ आपके मील के टाइमिंग्स को आप बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करके चलो, विच मीन्स डिनर जो है वो 6:30 to 7 हो जाना चाहिए, विच मीन्स डन एंड डस्टेड हो जाना चाहिए. थर्ड वन इज़ आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस, एनजाइटी, एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं करना है. आपका जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है आपको उसको लेके चलना है. नंबर 4, आपको बिल्कुल पानी का ध्यान रखना है कि सिप सिप करके आप पानी पियेंगे. मैं 4 से 5 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ, मेरा पानी का इंटेक बिल्कुल नहीं है, सो मेरा जो वेट है वो स्टक हो चुका है. सो आज इस वीडियो के शूट के बाद मैं अपनी बॉडी को रेस्ट दूंगी, मैं जस्ट बैठ जाऊंगी एंड मैं पानी पीऊंगी बहुत सारा. सो आप लोगों का अगर ट्रैवल एक्स्ट्रा है, आपने पानी बड़े टाइम से नहीं पिया है ढंग से, देन मेक श्योर आप पानी अच्छे से इंटेक करेंगे. लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ध्यान में लेकर चलेंगे. ये जो लिक्विड डाइट है ये 5 दिन करने पे आपका 3 kg स्टक वेट बिल्कुल इजीली लूज होगा, और उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप क्या, आप अपने बैक टू नॉर्मल डाइट के ऊपर जाएंगे. हमारा फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं देन मेक श्योर आपका जो डाइट है, आपके जो लाइफस्टाइल है, उसको आप कैरी करके चलो. सो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक. सो डाइट स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक से. यहाँ पे मेरे पास है गर्म पानी, और मॉर्निंग ड्रिंक हम बनाएंगे शतावरी. बहुत अच्छी चीज़ है वाटर रिटेंशन के लिए. इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो है मेरे चैनल पे, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ये है शतावरी के रूट्स, 1, 2, 2.5. ये रूट्स मैं अब उबालूँगी इसमें जब तक ये आधा कप ना हो जाए, और उसके बाद हम इसे लेंगे. ओके, सो ये रही हमारी मॉर्निंग टी, शतावरी के रूट्स, एंड दिस इज आवर शतावरी टी. सो आप चलते हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए. नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर हम लेंगे सैंडविच. सो सैंडविच की रेसिपी क्या है, वो भी चीज़ सैंडविच के, चलते हैं किचन में. बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. यहाँ पे मेरे पास है होममेड नारियल की चटनी. मेरे चैनल पे बहुत सारे चटनीज की रेसिपीज़ हैं, आप उनमें से पिक कर सकते हो कोई भी चटनी होममेड. आप यहाँ पे ब्रेड लेंगे, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, एंड यहाँ पे हमने सबसे पहले लगाई है चटनी. चटनी इतनी स्वाद है ना. नेक्स्ट इसके अंदर हम लगाएंगे थोड़े से हमारे खीरे, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे प्याज, फिर हम यहाँ पे लगा लेंगे टमाटर पतले पतले, राउंड. नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है पनीर का स्लाइस. नेक्स्ट ये है मेरे पास चीज़. आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की. मॉर्निंग क्या है हमारा, अच्छे से हम फैट्स ले सकते हैं मॉर्निंग में. तो ये डाल दिया हमने चीज़. नेक्स्ट इसके ऊपर अब हम डालेंगे हल्का सा नमक एज पर द टेस्ट. सबसे बेस्ट चीज़ है इस सैंडविच की पेरी पेरी मसाला. ओके, नेक्स्ट ये मेरे पास एक गैस का ग्रिलर है जो कि बहुत अच्छे से ग्रिल करता है सैंडविच को. सो ये हमने डाल दिया है यहाँ पर. हमने घी, अब हम इसे सेकते हैं. हम इस तरीके से यहाँ पे ग्रिल करेंगे. सो हियर वी गो.
द सैंडविच इज रेडी, कॉटा चीज, एकदम चीजी सैंडविच एंड उसके साथ हम लेंगे मिल्क टी एंड कॉफ़ी। बट मेक श्योर इसमें जो मिल्क ऐड हुआ है वो कोकोनट मिल्क है। आप आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट डेरी मिल्क यूज़ नहीं करना। सो है देखो, दिस ब्रेकफास्ट इज रेडी। अगर आपको चीज़ सैंडविच नहीं खाना, देन मेरे चैनल पे यहाँ पे बहुत सारे सैंडविचेस की रेसिपीज़, आप कोई भी सैंडविच की रेसिपी पिक कर सकते हैं एंड उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की, सो चलते हैं किचन में। मिड ब्रेकफास्ट के अंदर हम लेंगे कोई भी एक ग्रीन टी जो भी आपके पास हो एंड उसके साथ हम लेंगे यहाँ पर आंवले का मुरब्बा। मतलब बेसिकली आपको कोई भी एक मुरब्बा लेना है, चाहे वो आंवले का हो, एप्पल का हो, हरड़ का हो, गाजर का हो, कोई भी मुरब्बा जो उस समय आपके पास घर में मिले। सो ये रहा मुरब्बा एंड उसके साथ हमारी ग्रीन टी। वेलकम जी, नाउ अब हम बात करते हैं लंच की। लंच में हम लेंगे कॉफ़ी। यहाँ पे मेरे ड्राई फ्रूट्स की कॉफ़ी है और वो बहुत ही अच्छी ड्राई फ्रूट डिटॉक्स कॉफ़ी है। उसकी रेसिपी क्या है, चलते किचन में। अब लंच के लिए हम बना रहे हैं हमारी डिटॉक्स कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ पे एक गिलास पानी के अंदर, सो मैंने इसमें क्या क्या सोक करा है, चार डेट्स, चार आलमंड्स, चार काजू और दो वॉलनट्स और एक चम्मच वाइट सेसमेंट। अब इन सबसे हम बनाएंगे हमारी डिटॉक्स कोल्ड कॉफ़ी। इसके अंदर अब ये वाला जो मिक्सचर है हम डाल देंगे और डेट्स जो मैंने इसमें यूज़ करे थे उनके सीड्स जो थे वो मैंने पहले ही निकाल दिए थे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा आधा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरे रोल्ड ओट्स, किसी भी टाइप का ओट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच जितना, एक एंड दो, दो चम्मच जितने ओट्स। अब इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ओके, इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी थोड़ी सी आइस, यानी इतनी थिक बनी है, इतनी थिक। नाउ कॉफ़ी अगर आपको इवली पसंद नहीं है, मेरे चैनल पे वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ की रेसिपी है। एप्पल कॉफ़ी है, चिया सीड कॉफ़ी है, पैसल सीड कॉफ़ी है, इनमें से कोई भी आप डिटॉक्स की कॉफ़ी पिक कर सकते हैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी एज पर योर टेस्ट एंड यू कैन गो अहेड विद दिस। नाउ मूव टू द इवनिंग टी। नाउ जब भी वेट स्टक होता है ना, सिनेमन की स्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है हमारे वेट स्टक में। सो सिनेमन टी ये रही, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इसके साथ पूरा बाउल ऑफ सैलड लेंगे, खीरा, प्याज, टमाटर, इन सबको पूरा सैलड बना के आप लेंगे एंड इवनिंग में आप बाउल भर के सैलड खाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ डिनर में हम लेंगे जस्ट सूप, सिंपल सूप। मैं इतनी यमी सूप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैक्सिकन सूप। इतना यम है, मेरे पूरे किचन में उसकी खुशबू है। चलते हैं किचन में, बनाते हैं मैक्सिकन सूप। हम बनाने जा रहे हैं हमारा डिनर और डिनर के लिए यहाँ पे मैं बनाऊँगी मेरा मैक्सिकन सूप, वो भी मेरे देसी स्टाइल में। यहाँ पे मैंने लिया सरसों का तेल, इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो गया है, सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे प्याज, एक प्याज, ये एक ही बंदे के लिए मैं बना रही हूँ, एक पर्सन के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी शिमला मिर्ची, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे तीन टमाटर पीसे हुए, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा गरम पानी। यहाँ पे मेरे पास है येलो मूंगे की दाल जिसको मैंने सोक करा था 10 से 15 मिनट के लिए, एंड यहाँ पे हमें वड़े बनाने थे तो हमने ज़्यादा सोक करा है। इसके अंदर मैं डालूँगी मेरे दो चम्मच जितनी मूंगे की दाल, ओके। इसको मिक्स करेंगे, दो राजमा डालते हैं मैक्सिकन सूप में एंड कॉर्न्स डालते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ मूंगे की दाल डाल रही हूँ सूप में, क्योंकि मुझे डिनर के लिए चाहिए ये और मैं लाइट रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी, थोड़े से सीजनिंग डालेंगे ताकि सूप टेस्ट अच्छा कर सके हमारा। मैं डालूंगी मेरा पिंच ऑफ सॉल्ट, नेक्स्ट सूखा धनिया पाउडर, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी मेथी सूखी हुई, वो भी कस्तूरी मेथी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ओके। अब हम इसे कुक होने देंगे 10 मिनट के लिए सिम आंच पर। This yummy hot soup is ready.
एंड द सूप इज़ रेडी. ट्रस्ट मी, इतना यमी और इतनी फ्रेग्रेंस अच्छी है ना इसकी, मज़े आ गए. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सूप नहीं पीना, हमको 5 दिन डाइट करनी है. मेरे चैनल पे बहुत सारे सूप्स की रेसिपीज़ है, आप इनमें से कोई भी सूप पिक कीजिए, अपनी डाइट में ऐड कीजिए एंड उसको गुड टू गो कीजिए. डिनर में आप कोशिश करना सूप्स में सॉल्ट ना डालें, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग आपका टमी फ्लैट मिलेगा, स्वेलिंग नहीं मिलेगी. अब हम बात करते हैं डिटॉक्स के लिए हमारा नाइट ड्रिंक का. नाइट ड्रिंक कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में. टाइम फॉर नाइट ड्रिंक. नाइट ड्रिंक के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेरा आधा चम्मच जितना त्रिफला पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी. रस त्रिफला शॉट चाहिए मुझे, सो बिल्कुल 2 घूंट जितना पानी और आधा चम्मच जितना त्रिफला पाउडर. एंड इस डाइट के साथ साथ आप किसी भी प्रकार का कोई भी डिटॉक्स वाटर नहीं लेंगे. एंड मेरे 75 डेज चैलेंज के लिए मुझे यहाँ पर ज्वाइन करें. मैं डेली बेसिस का अपना डाल रही हूँ 75 हार्ड डेज चैलेंज. मैं बड़ी मोटिवेट हुई थी, मैंने देखा था ये ट्रेंड चल रहा है एंड मैंने भी करने का सोचा था. सो 2 दिन हो गए हैं, आज 3rd डे है एंड मैं उसको भी पोस्ट करूँगी. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. गुड टू गो एंड जस्ट मेक श्योर आप अपने स्टक वेट को हिलाओ एंड अपनी वेट लॉस जर्नी पूरी करो. I'll see you soon. Take care, जी. Bye bye.